जुल्म है साहब। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त कर नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है, तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये? क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा? चाकुआ कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर। और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए। करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है, नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है। आई वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलर बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय फॉर कर्विंग द मेनेस ऑफ दिस गांजा ड्रग सर। वी विल लेंड अवर फुल सपोर्ट सर। बट लेट मी टेल यू सर, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर। सब मालूम उनको सर, सब मालूम, लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे। और चीफ मिनिस्टर साहब आप मौजूद नहीं थे तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके डावस को आप गए थे 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए, बजट स्पीच में आना था ना साहब, के शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट। तो काइंडली सर इस पर देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा और यहां का जो पर कैपिटा आज है यह और आगे बढ़ेगा और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा, उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में ट्रेन छुक छुक आएगी मेट्रो। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते जिनकी वजह से मेट्रो आई, हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते। लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए। और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब, मेट्रो आएगी यकीन है और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा, पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा तावुन आपके साथ है। और हम तावुन करेंगे, हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं, हम ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है। हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे, उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा और जो जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी और मसाजे शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। और स्पीकर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री कूनमनेनी सांबशिवराव गारु, गौरव मुख्यमंत्री गारु, वन मिनट। स्पीकर किशन रेड्डी के खिलाफ दरखास्त किया कांग्रेस पार्टी ने, हमारे उपाध्यक्ष जी निरंजन ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त किए कि छोटे बच्चों को चुनाव में इस्तेमाल किए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो बोल के हम लोग ने दरखास्त किए। वही दरखास्त के ऊपर FIR हुआ, अमित शाह और किशन रेड्डी जी को अक्यूज्ड बनाए। बाद में पुलिस इंक्वायरी में जो वहां पर कार्यक्रम लिए उन लोगों को अक्यूज्ड बनाए, इन लोगों को उसमें से निकाले। तो हमारा पार्टी अमित शाह के खिलाफ, किशन रेड्डी के खिलाफ अब कोर्ट में हम कार्रवाई शुरू किए। तो इसीलिए हम लोग नहीं निकाले, जो पुलिस ऑफिसर्स जो चार्जशीट में निकाले हम वो चार्जशीट के खिलाफ हम भी दरवाजा खटखटा रहे। तो इसीलिए ये जो आपको जो गलत फहमी हुआ वो गलत फहमी दूर कर दो। हम बड़े भाई कहा बोले तो राज को कुछ पैसे लाने के लिए कुछ परमिशन मुसी जो आपके अपना जो ओरिजिनल सिटी है उसको अच्छा तरक्की में ले जाने के लिए हम लोग को पूछे थे, मगर उससे बगल और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग नीति से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आगे तेलंगाना को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अकबर साहब, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, उन्होंने तो आपको सौतेला भाई समझ लिया है और
और सीएम साहब अभी पूरा बयान करे कि किस तरीके से मेट्रो आएगी, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर सब। दो दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है उस पर बहस रेजोल्यूशन, यही बोलते हुए बैठ जाऊंगा। क्या आपको यकीन है कि मिस्टर मोदी हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के लिए देंगे पैसा? तो मैं आपसे करूंगा कि सर, मैं आपके जरिए आपसे कहूंगा कि अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छा है, वो हमारा हक है, एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी देते हैं तब भी हम पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को चलाएंगे, मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। मल्ली नेन वारकी ने माट इव्वदल्चुकुन्ना, ఫెడరల్ సిస్టంలో యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉన్నప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నుంచి మనం రాబట్టుకోవాల్సిన నిధులు రాబట్టుకోవాల్సిందే, చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు పూర్తిగా చేయాల్సిందే. వాళ్ళు ఇవ్వనంత మాత్రాన రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఆగదు. చాలా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వెరీ లెస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో మనకు లోన్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. పీపీపీ మోడల్ నుంచి చేయడానికి ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఒకవేళ వాళ్ళు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నేను వారికి మాట ఇస్తున్నా, ఖచ్చితంగా వచ్చే 2029 ఎన్నికల లోపల ఓల్డ్ సిటీకి మెట్రో రైల్ నిర్మించి అదే మెట్రో రైల్లో ఎట్లయితే లండన్లో థేమ్ రివర్ను చూడడానికి డెవలప్మెంట్ కోసం అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో కలిసిపోయి చూసాను, ఇదే మెట్రోలో హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో తిరుగుతాము, మేము హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీని ఇస్తాంబుల్ చేస్తామని అబద్ధాలు చెప్పి మేము మోసం చేయము. న్యూయార్క్ కరీంనగర్ని న్యూయార్క్ చేస్తా అని మేము చెప్పాము. వరంగల్ని లండన్. సో వరంగల్ని లండన్ చేస్తామని, కరీంనగర్ని న్యూయార్క్ చేస్తామని, ఓల్డ్ సిటీని ఇస్తాంబుల్ చేస్తామని ఇట్లాంటి అబద్ధాలతో మేము కాలం వెళ్ళదీయము. తప్పకుండా మేము చేస్తాము. ఇప్పటి వరకు 100% చెప్పిన మాట మీద నిలబడ్డాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన భవిష్యత్తులో కూడా అదే మాట మీద నిలబడతాం.